जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद ये वीडियो दोपहर के बाद मैं अपलोड करूँगा। और बाहर बहुत गर्मी है, इतना धूप है कि जाने का दिल नहीं कर रहा है। आपको भी पता है दुबई में कैसा गर्मी होता है, तो इसी गर्मी के बीच सोचा मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। और एक ऐसा न्यूज निकल का आया है जो कि सबको जानना ही चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये न्यूज है और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के रिलेटेड है, मेड इन इंडिया के बारे में है। तो ये न्यूज सबको जानना चाहिए, तो ये वीडियो अपना दोस्तों के पास, फैमिली के पास जरूर शेयर करना। सभी के पास ये मैसेज जाना चाहिए और ये बहुत अच्छा न्यूज है हम लोगों के लिए, हमारा देश के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके जरूर ऑल कर देना। और चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, आप सभी को पता है अभी इंसान इतना आलसी हो गया है कि ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। चाहे कोई भी सामान हो, हमें ऑनलाइन मिल जाता है तो दुकान या फिर स्टोर में जाना हम लोग पसंद नहीं करता है। और अभी क्या हो गया है कि इंसान के पास टाइम भी बहुत कम हो गया है, तो इसीलिए ऑनलाइन बुकिंग कर देता है, मोबाइल घर पे आ जाता है, मोबाइल चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो वो घर पे आ जाता है, तो जाने का जरूरत नहीं पड़ता। तो हम लोग ऑनलाइन सारे चीज़ खरीदना पसंद करते हैं अभी। तो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि ऑफलाइन में तो चाइनीज़ प्रोडक्ट या फिर आउट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट जो है हमें मिल ही जाता है। और अगर ऑनलाइन की बात करें, मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें, तो लगभग 70% प्रोडक्ट जो है वो चाइना का प्रोडक्ट रहता है। मतलब 100 में से 70 प्रोडक्ट जो है वो चाइना का रहता है। आप अगर कोई मोबाइल खरीदेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिर्फ मोबाइल लेके अगर फ्लिपकार्ट में सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट आएगा सर्च में वो चाइना का ही रहेगा। तो इस जगह पे ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो चाइना का प्रोमोट किया जाता है, तो हमें जो है पता ही नहीं चलता है कि कौन सा चाइना है कौन सा क्या है। मतलब हमें तो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो पता ही नहीं चलता। तो इस जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से एक मतलब न्यूज आया है कि अब हमें पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाइना का है कौन सा प्रोडक्ट इंडिया का है। और ये हमें बहुत हेल्प करेगा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और मेरे वीडियो में अभी बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है, बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में वीडियोस भी नहीं बनाना चाहिए। तो मैं भी धीरे धीरे बनाना बंद कर दूंगा अगर ये बैन हो जाता है तो, लेकिन फिलहाल अभी बैन नहीं हुआ है। और इतना जल्द हम लोग चाइना का प्रोडक्ट को जो है वो छोड़ नहीं सकते, ये धीरे धीरे जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। और अभी जो है इंडिया में ऐसा कोई मोबाइल ब्रांड नहीं है जो कि अच्छा मोबाइल बनाए, तो इस जगह पे Xiaomi Realme जो है नंबर वन पे है, क्योंकि अभी सस्ते में अच्छा फीचर्स वही मोबाइल देता है जो कि चाइनीज ब्रांड है। तो हम लोग मजबूरन अभी Realme और Redmi का फोन खरीद रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट आता है ऐसा तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं आया है। लेकिन इस जगह पे हम लोग ये तो मेंशन करते हैं क्योंकि बहुत सारा भाई लोग जो है चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता है, कि सबको पता है कि Redmi और Realme जो है अच्छा मोबाइल देता है, मतलब सस्ते में अच्छा फीचर्स देता है। लेकिन मेरा कमेंट में ऐसा भी आता है, बहुत सारा भाई ऐसा कमेंट करता है कि जितना अच्छा फीचर्स दे दो हमें चाइनीज प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो उन सारे भाई लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज आया है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन और भी जितना था शॉपिंग साइट है उन सारे साइट में जो है अभी हम लोगों को प्रोडक्ट के नीचे मेंशन कर दिया रहेगा कि ये प्रोडक्ट कौन सा जगह का है। मतलब अगर मान लीजिए कोई मोबाइल आप खरीद रहे हैं तो वो मोबाइल कौन सा कंट्री का है वो उस जगह पे लिखा रहेगा। इस जगह पे आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कौन सा प्रोडक्ट कौन सा जगह का है कौन सा कंट्री का है आपको आसानी से पता चलेगा, और आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मेड इन इंडिया है या फिर मेड इन चाइना है वो भी आपको पता चल जाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये कहना है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये सिचुएशन जो है क्रिएट किया जा रहा है, मतलब ये उद्योग लिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा न्यूज है। मेरी तरफ से तो ये अप्रूवल होना चाहिए, फिलहाल अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ है। अब देखते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करता है, गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है इसको कैसे पालन करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये न्यूज सारे दोस्तों के पास जो है जाना चाहिए और ये वीडियो को वायरल कर दो, क्योंकि इस मुद्दे को आप लोग जितना ज़्यादा फैलाओगे जितना ज़्यादा उठाओगे उतना अच्छे से काम कर पाएगा। बाकी ये था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कॉमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।